Hello and welcome to my channel. I'm Jugal Solanki. Right now we are at our village beach. So we came here for sand art. So Yashika ko aaj sand art sikhayenge. रेत से कैसे कैसे म्यूरल बनाते हैं, कैसे कैसे स्कल्पचर बनाते हैं, फोर्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें. और ये है मेरे गांव का बीच. बहुत फेमस नहीं है लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल है. सेरेन है, कोई होता नहीं यहाँ पे, कम क्राउड रहता है और जंगल के बाजू में ही है. सो अभी सनसेट का टाइम है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इतना गर्म नहीं है और टूरिस्ट भी बहुत आए. दिवाली का टाइम है तो अभी एक अच्छा सा स्पॉट चूज करेंगे और वहां पे बनाएंगे कुछ चीजें. रेत से बनाएंगे, नहीं गिरेगा, चलो नहीं गिरेगा. तो ये भी अच्छा स्पॉट है लेकिन मेरी बीवी को पसंद नहीं, बोले लोग आएंगे जाएंगे. हम थोड़ा आगे जा रहे हैं कि आगे है अच्छा स्पॉट. ये पूरा सैंड है, वाइट सैंडी, सिल्वर वाइट जो है इस टाइप का है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे शेल्स है. फिश पकड़ना, कैसे फिश पकड़ेंगे? पानी में फिश पकड़ेंगे. कैसे फिश पकड़ेंगे उसके लिए तो सब सामान लगता है. चल अगली बार सामान लेके आएंगे तभी फिश पकड़ेंगे. आज अपन सैंड आर्ट करते हैं. आज अपने पप्पा और मम्मी का क्रिएटिविटी देखेंगे. सो ये वाला स्पॉट काफ़ी सीरेन है, काफ़ी पीसफुल है और कोई है भी नहीं. तो यहाँ पे जो सैंड से कुछ करने की बातें लग रही और मजा आएगी. और सी भी काफ़ी शांत है. जो दिवाली टाइम का जो टाइम रहता है उस टाइम पे सी काफ़ी शांत रहता है, इतना वेवी नहीं रहता है. जो लहरें आती है वो बहुत कम आती है और सनसेट काफ़ी ब्यूटीफुल होता है. इट्स अल्टीमेट सनसेट. अगर थोड़ा आगे के स्पॉट पे जाके देखेंगे तो ये टोटली समंदर के अंदर आपको सन डूबता हुआ दिखेगा. और वहाँ पे आगे एक ये है, क्या बोलते हैं, लाइट हाउस, बहुत फेमस लाइट हाउस. सो ये जो लाइट हाउस आपको दिख रहा है दैट इज़ वन ऑफ द फेमस लाइट हाउस इन इंडिया. उसको माधवर लाइट हाउस बोलते हैं. माधवर मतलब एक गुजरात का पार्ट है और ये जो पोर्शन है समंदर से काफ़ी बाहर की तरफ है. तो वहाँ पे लाइट हाउस प्लेस किया है ताकि बड़े जहाज जो रहे और छोटी बोटें भी रही है उसको गाइडेंस मिले. और ये है मेरे गांव का समंदर. ये पूरा जो एरिया है उसको गोमटी बीच बोलते हैं. और वहाँ पे है ये जो एरिया है, यहाँ पे माता जी का मंदिर है, गोमटी माता नाम है. और ये काफ़ी फेमस मंदिर है वहाँ पर. जो भी समंदर के जो मछुआरे रहते हैं वो ये माता जी के दर्शन, उनको प्रार्थना आराधना करके जाते हैं समंदर में फिशिंग करने के लिए. वी हैव रीच एट दिस सैंडी पैच बीच. सो नाउ वी विल स्टार्ट सैंड आर्ट हियर. यशिका, लेट्स डू सम आर्ट हियर. ओके, टेक आउट योर व्हाट इज टूल फॉर सैंड. यशिका के पास है इतने सारे टूल्स जिससे उसको हेल्प मिलेगी कुछ बनाने के लिए. सैंड में से कुछ वो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बनाएगी. यशिका कम ऑन, क्या बनाना है आज? चलो डिसाइड करते हैं क्या बनाना है. तो हम ट्राई करेंगे कैसल बनाने की. कैसल पहले फोटो देख लेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके, उसके हिसाब से पूरा फॉर्मेशन करेंगे और फिनिशिंग करेंगे. सो का पंच आपको क्या करना है, कैसे वो पानी देना है? चलो करो. आ रे 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 आ र
ये वन मोर बाजू में कैसल बाजू में खुदाई। तो ये हमने कुछ बनाया यहाँ पे, ऐसे प्लेटफॉर्म लिया है और उसके ऊपर ये गोल सा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, ऊपर ये टोपी आएगी, तो पता नहीं ये क्या बनाया हमने। हाँ बलता ही कुछ बन गया, बना रहे थे कैसल और बना रहे टूम्ब, ऐसा लगता है हुमायूं टूम्ब है। हुमायूं टूम्ब है ये, जो मुगल बादशाह था उसका ये मकबरा है। सॉरी हम लोग बना रहे थे और अचानक ये शेप आ गया, तो ये वो है। और अभी मुझे पता चला कि मेरे में बहुत क्रिएटिविटी है, और आगे देखते रहे और मकबरा का क्या क्या बनता है। कोई नहीं तोड़ ले तोड़ ले तोड़ ले जुगल, ये क्या बनाया है? तो हम लोग ये हुमायूं टॉम जैसा स्ट्रक्चर है, ये टॉम बन चुका है, अगर मुगल बादशाह जिंदा होते तो हमारे हाथ काट डालते ये बनाने के, उसमें बोलते कि ये तो कुदरत का नायाब नगीना है, आपने बनाया आपके हाथ लिए जाते, ऐसा करके हमारे हाथ काट डालते, जैसे ताजमहल के काटे थे, ताजमहल के लेबर्स के काटे थे जुगल। तो अल्टीमेटली जो हुमायूं टूम था उसका कचरा हो गया और हुमायूं टूम में से प्रकट हुए शिवलिंग, आप देख सकते हैं महादेव प्रकट हुए, जो हमने हुमायूं टूम बनाया था उसमें से। अल्टीमेटली यही सच है, शिवी सत्य है, सब कुछ यही है। तो यशिका आपको कैसा लगा सैंड आर्ट आज का? और शाम हो चुकी है और घर जाने का टाइम हो चुका है हमारा, लेकिन बहुत सुहानी शाम है और बहुत दूर जो फिशिंग बोट्स है उसकी लाइट्स दिख रही है और अभी शायद से भर्ती भी हो रही है पानी की, तो जब भर्ती हो जाएगा तो ऊपर तक पानी जाएगा। पर ये पीछे पूरा जंगल है यहाँ पे, तो ये दीव का एक बेहतरीन बीच है, गोमती बीच, लंबा पेच है, जो विलेज है मेरा वहाँ से आता है यहाँ तक का ये पेच। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।